नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन के श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार एवं आपका स्वागत है। आनंद मूर्ति जी ने कृष्ण के जीवन को, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए और उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए दो हिस्सों में डिवाइड किया था। और उस पहला वो जो उनका जीवन था, कृष्ण का जीवन, उसको डिवाइड किया था ब्रज गोपाल के कृष्ण, और दूसरा जीवन था पार्थसारथी कृष्ण, जहाँ एक तरफ ब्रज गोपाल कृष्ण सबके लिए इजीली एक्सेसिबल था, सब लोग उनको आसानी से मिल सकते थे, उनसे पूछ सकते थे, वहाँ पर भक्ति से रिलेटेड बहुत ही क्लोज चर्चाएं थी। वहीं दूसरी तरफ पार्थसारथी कृष्ण का जीवन जो था वो महाभारत को बनाने में हुए, महाभारत का निर्माण करते हुए बीता। वहां पर वो इजीली एक्सेसिबल नहीं थे सबके लिए, और वो एक क्लोज ग्रुप और बड़ी ही फोकस एक्टिविटी के अंदर उनका जीवन बीता। लेकिन जब इसका डिटेल जो वर्णन है श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने नमामि कृष्ण सुंदरम नाम के एक पुस्तक में दिया है, आप सारे श्रोता लोग उस पुस्तक का रेफरेंस लेते हुए, उसको देखते हुए उसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। लेकिन अगर हम शिव के जीवन को जब उन्होंने उन्होंने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की तो वो इसको क्लासिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि शिव का जो जीवन था वो बड़ा ही विशाल, उनके जीवन का जो कंट्रीब्यूशन था वो इतना बड़ा था कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सका, इसीलिए शिव को आदि गुरु बोला गया या आदि पिता क्या कहा गया। अगर संगीत के क्षेत्र में देखें तो सुर सप्तक उन्हीं की देन, सुर सप्तक मानी संगीत को एक स्ट्रीम लाइन किया उन्होंने, सारे मतलब कौन सा सुर पहले आएगा बाद में आएगा उसको क्लासिफाई करते हुए आगे लेके। इसी तरह से नृत्य के क्षेत्र में नटराज चलाए उन्होंने, तरह तरह के नृत्य दिए। तंत्र के क्षेत्र में अगर देखें तो मंत्रेश कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं, उन्होंने तंत्र को भी स्ट्रीमलाइन किया। एवं अगर योग के क्षेत्र में देखें तो उन्हें आदि गुरु योगेश्वर भी कहा जाता है। सोसाइटी में अगर देखें तो शिव के माता पिता ऐसे कहीं उनका वर्णन नहीं आता है, क्योंकि उनके जीवन में पहली जो मानव सभ्यता में जो विवाह का जो था वो उन्हीं का ही बोला जाता है, इसलिए उन्हें आदि पिता भी कहा जाता है। सिमिलरली मेडिकल साइंस में, औषधि विज्ञान में वो कंट्रीब्यूशन किया उस क्षेत्र में, उस समय में जब ह्यूमन जो जो सोसाइटी थी डेवलप नहीं थी, तब भी उन्होंने डिस्कस किया कि यदि किसी माँ का बच्चे का, माँ का दूध नहीं आ रहा नवजात के लिए, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे उसको जीवित रख पाएंगे, उसकी उन्होंने और भी व्यवस्था की। वर्तमान युग में हम इसको मेडिकल साइंस के लिए अगर हम देखें तो इसको ब्लड बैंक के थ्रू, सॉरी मिल्क बैंक के थ्रू मैनेज करते हैं ऐसे बच्चों को, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो शिव का कंट्रीब्यूशन इतना विशाल था कि उनको उन्हें बोला कि हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। और मुख्य जो उनकी शिक्षाएं हैं उन्होंने उसको शिवोक्ति एवं शिवोपदेश के रूप में 12 12 शिव में डिवाइड किया। 12 शिवोक्तियां हैं और 12 शिवोपदेश हैं। अगर कोई श्रोतागण चाहे तो इसको नमः शिवाय शांताय नामक पुस्तक से डिटेल में वर्णन कर सकता है। तो एक 12 लेक्चर की जो कड़ी है हम सोच रहे हैं इसको स्टार्ट करें, तो उसमें पहला लेक्चर जो है आज हम पहली शिवोक्ति डिस्कस करेंगे जो कि शिव ने दी थी। तो शिव ने कहा कि जो समय है इससे, इसके अगेंस्ट में एक ह्यूमन बीइंग का एटीट्यूड या फिर उसकी प्लानिंग या उसे कैसे इस समय उसको रहना चाहिए, इसको उन्हें पहली शिवोक्ति के अंदर डिस्कस किया। शिव ने बताया कि जो समय है उसको तीन हिस्सों में, हम सब लोग जानते हैं कि तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, भूतकाल जो बीत गया, भविष्य काल जो आने वाला है, और वर्तमान काल जो इन दोनों की संधि युग है। तो इवन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्तमान में, तो जब मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ और ये बात जब आप तक पहुंच रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है, तो इसमें भी एक समय का एक अंश जो है निकल चुका है, वो जब आप तक पहुंच रही है तो वो भूतकाल बन चुकी है। तो वर्तमान जो है एक बहुत क्षणिक जो है वो है, दो युगों को जोड़ने वाला, दो समय के भविष्य और वर्तमान को जोड़ने वाला है। लेकिन ह्यूमन बीइंग कैसे रहता है अपने जीवन में, आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से समय के हिसाब से वो उसका मन मानसिक परिवर्तन और उसकी प्लानिंग का परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो केवल भविष्य में या भविष्य की उन चीजों को देखते हुए चलते हैं, उसमें जीते हैं, जो कि बहुत ही चमकदार हैं, रेनबो कलर है, कि उसमें ऐसा होगा वैसा होगा। इवन बड़े बड़े जो कुछ सो कॉल्ड गुरु हैं, कुछ सो कॉल्ड जो ये हैं राजनेता हैं, जो बताएंगे कि हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे, ऐसी सोसाइटी बना देंगे जिसके अंदर ऐसी इनकम होगी, ये होगा और वो होगा, तो उस चकमक के अंदर जो आम आदमी है वो खोते हुए वो उसी में ही रह जाता है। और फिर उस जो भविष्य की जो ऐसी चीजें हैं जो चमकदार है, उसी के अंदर ही वो जीता रहता है। फिर वो क्या करता है, अपनी वर्तमान स्थिति को भूल जाता है, इवन पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो उसके साथ हुए हैं उसको भी भूल जाता है, और भविष्य की जो वो एक मैनेजमेंट में भी कहा जाता है कि आपके जो भविष्य के लक्ष्य होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब अचीवेबल होने चाहिए, ऐसा होने चाहिए जो मेजरेबल, जिनको आप देख सको और उनको आप अचीव कर सको एक निश्चित समय के अंदर। लेकिन जो लोग केवल इन वास्तविकता को नकारते हुए उस भविष्य के ऊपर अपना फोकस करते हैं जो कैसा होगा और वो होगा भी कि नहीं होगा, तो ऐसे मनुष्यों का जीवन बहुत ही अच्छा नहीं होगा। तो फिर कैसे जीना चाहिए, तो बाबा अभी बाबा फिर बताने लगे शिष्यानंद जी कि देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल पास्ट में जीते हैं। पास्ट में कैसे जीते थे कि देखिए हमारा, जैसे कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि भारतवर्ष इतना महान था, इसमें सूर्य की पूजा हुआ करता था और वो ऐसा था और वैसा था, और अपना पूरा जीवन केवल पास्ट की उस जो महान है, महान था या जो भी था उसी में ही बिता देते हैं, उसकी महानता को इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं कि उसी वर्णन में ही खो जाते हैं और भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाते। तो ये भी मनुष्य की जो एटीट्यूड है अपने पास्ट को लेते हुए, वो भी एक शिव ने बताया कि बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं है। तो शिव ने मैनेजमेंट का क्या बोला, अच्छा इस एक चीज, तीसरी चीज और बोली शिव ने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये फ्यूचर को भी नहीं समझते कुछ, और जो पास्ट जो हमारा बीत गया उसको भी नहीं समझते, वो कहते हैं कि वर्तमान में इस तरह से रहो कि कोई मतलब नहीं है फ्यूचर और ना पास्ट। या उनका सिद्धांत है यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस पूरी अगर इसका श्लोक बाई श्लोक के भावार्थ उससे चले, अर्थ से चले, यावत जीवित जब तक जियो सुखम जीवित सुख से जियो, ऋणम कृत्वा ऋण लेते हुए भी धृतम पिबेत, घी पियो चाहे ऋण लेना ही पड़े। तो इसको भी शिव ने, इस जो एटीट्यूड है इसको भी शिव ने बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया। तो ना आदमी को भविष्य के जो एकदम उसी के लेके हुए चलना चाहिए कि मैं भविष्य में ये करूंगा वो करूंगा, ना एकदम पास में खोए रहना चाहिए, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि ना तो भविष्य से मतलब है ना पास से मतलब है। तो फिर कैसा होना चाहिए, तो शिव ने बोला कि मनुष्य को अपनी जो जो वर्तमान है उस जिस भित्ति पे वो खड़ा है, जिस दीवार पे वो खड़ा है, उसको मजबूत करने के लिए अतीत से जितना सीख सकता है, जितना उसकी नॉलेज उससे गेन हुई है अतीत में, जो उसके एक्सपीरियंस रहे उससे नॉलेज गेन करे, और वर्तमान को बड़ा स्ट्रांग करे उसको उस नॉलेज का यूज करते हुए। लेकिन भविष्य की प्लानिंग भी तो उसे करनी है, तो उसी वर्तमान में करनी है, तो इसी वर्तमान में उसको भविष्य की प्लानिंग भी करनी है। तो कैसी प्लानिंग करनी है भविष्य में, तो भविष्य की ऐसी प्लानिंग करनी है जिससे मानसिक ऐश्वर्य जो उसका है, उसका मानसिक जो प्रगति है, जो उसकी मानसिक प्रगति कैसे होगी, उसको शारीरिक भी लेनी पड़, शारीरिक जो उसका है वो भी उसको अच्छे से मेंटेन रखना, मैनेज रखना पड़ेगा उसको, और स्पिरिचुअल भी उसको अपना डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल मेंटल और फिजिकल तीनों डेवलपमेंट को साथ में लेते हुए उसको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी वर्तमान वृत्ति इतना स्ट्रांग करे पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ, जिससे कि उसका जो भविष्य है वो इतना स्ट्रांग हो जाए, उसकी मानसिक ऐश्वर्य इतना स्ट्रांग हो जाए कि बड़े से बड़े जब जंजाल आता है तो वो भी ना हिला पाए। तो इसको उन्होंने एक सूत्र में बांधा जिसको उन्होंने बोला वर्तमानेषु वर्तते वर्तन्ते। सो वर्तमान में जियो, मतलब हर चीज को वर्तमान से उसको
जोड़ते हुए अपने पास के एक्सपीरियंस को सीखो, भविष्य को इस तरह से प्लान करो कि अपना जो भविष्य है वो इतना दृढ़ हो जाए कि कोई उसके अच्छे से अच्छा जिंदाबाद भी न हिला पाए। तो मेरे ख्याल से अच्छा डिस्कशन रहा, इसी छोटे से डिस्कशन के साथ आप लोगों से विदा दूंगा। नमस्कार।